Ladies. Hello guys, welcome back to my channel AK Creatives. आज हम लोग देखेंगे क्लास 4 का न्यू चैप्टर, एक न्यू चैप्टर, चैप्टर 7, जिसका नेम है एयर साइंस का चैप्टर 7, जिसका नाम है एयर। हम लोग इस चैप्टर में एयर के बारे में जानेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर के बारे में जानेंगे। इसके पहले जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सब के बारे उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। इसके पहले के चैप्टर्स का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। हम लोग एयर के बारे में जानने से पहले हम लोग का पहला टॉपिक है व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। हम लोग एयर के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे कुछ थोड़ा मैटर्स के बारे में। अब मैटर्स होता क्या है, देखिए हम लोग का जो ये एनवायरमेंट है, सराउंडिंग है, हम लोग जहाँ सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, ये सारा कुछ क्या है, मैटर से ही तो बना है। हम लोग भी मैटर से ही तो बने हैं। ये पूरा एनवायरमेंट, सराउंडिंग जो भी है, सब कुछ मैटर के बारे में बना, सब कुछ मैटर से ही बना है, मॉलिक्यूल्स और एटम से ही बना है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक, हम लोग का मैटर्स के बारे में क्या दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, पहला टॉपिक है हम लोग का मैटर क्या चीज से बनता है, मैटर क्या चीज से बना है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो लिखा है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मैटर जिससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, और वो छोटा छोटा पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, हम लोग का मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दीज टाइनी पार्टिकल्स दैट मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। जो टाइनी पार्टिकल्स से बना है उसके कारण क्या है, मैटर के पास क्या है, मास है, और वो स्पेस ऑक्यूपाइज कर सकता है। मास मतलब क्या, वेट है, और स्पेस ऑक्यूपाइज कर सकता है मतलब कि वो कुछ जगह ले सकता है। और वो टाइनी पार्टिकल्स का नाम क्या, हम लोग वो आगे देख रहे हैं। दिस टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज मॉलिक्यूल्स, जिस टाइनी पार्टिकल से मैटर बना है उस टाइनी पार्टिकल्स का नाम क्या है, हमारा मॉलिक्यूल्स नेम है। ठीक है, मैटर किस चीज से बना है, छोटे पार्टिकल से। उस छोटे पार्टिकल से बने होने के कारण ही क्या होता है, मैटर हम लोग का जो उसको उसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। और जिस टाइनी पार्टिकल से मैटर बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के मॉलिक्यूल से बना है मैटर, लेकिन मॉलिक्यूल्स भी छोटे पार्टिकल से बना है। क्या लिखा है, इवन स्मॉलर पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स जो बना है मैटर से भी छोटे पार्टिकल से बना है, जिसका नाम है एटम। एटम और मॉलिक्यूल्स दिखता कैसा है वो आप लोग को देखेंगे स्क्रीन पे। हम लोग का क्या दिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मैटर का जितना भी तरह तरह का टाइप होता है वो उसका टाइप क्या, डिफरेंट मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है। मैटर में हम लोग क्या क्या आता है, मैटर में हम लोग का तीन ही चीज आता है, क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इन तीनों का मॉलिक्यूल्स भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। जितना भी तरह का मैटर होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, मतलब जितने भी तरह का डिफरेंट मैटर होता है सबका मॉलिक्यूल्स भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। मैटर स्पेशली तीन ही टाइप का होता है, किसका वो लिखते हैं यहाँ, जो आप लोग के बुक में लिखा है, मैटर्स एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। मैटर्स क्या है, तीन ही स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, मैटर्स एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। वो कौन कौन सा स्टेट्स है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर्स किस थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में।
और इन तीनों का प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि हम क्या पढ़े ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हर एक डिफरेंट मैटर का क्या होता है, मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग होता है। तो मैटर एग्जिस्ट करता है तीन स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस तीनों का प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूल्स, इनका स्ट्रक्चर, सब कुछ क्या होता है, तीनों का डिफरेंट होता है एक दूसरे से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्टेट्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। हम लोग तीनों स्टेट के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। हम लोग पहले देखते हैं, हम पहला स्टेट सॉलिड्स के बारे में पहले देखते हैं। क्या लिखा है कि इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड वेरी क्लोज टू वन अनदर सच दैट इट्स प्रिवेंट देयर मूवमेंट। सॉलिड्स में क्या होता है ना, सॉलिड्स का मॉलिक्यूल्स होता है ना, एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली पैक रहता है, ताकि जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट उनका जो है उसको वो प्रिवेंट कर सके। मतलब कि मॉलिक्यूल्स जो होता है एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, एकदम एक दूसरे से पूरा पैक्ड होता है, इस तरह से कुछ सॉलिड्स का मॉलिक्यूल्स होता है। आप उसका स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि सॉलिड्स का मॉलिक्यूल्स कैसा होता है, स्क्रीन पे आपको शो होगा। तो सॉलिड्स का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के साथ अरेंज होता है, सच इस क्यों होता है, सच दैट इट प्रिवेंट्स देयर मूवमेंट। सॉलिड्स में होता है जैसे कि ये मार्कर बना है, ये मार्कर क्या है, सॉलिड है। ये मार्कर में अगर इसका मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक नहीं होता तो क्या होता, मार्कर का ढक्कन अलग होता, उसका नोक अलग होता, तो लोग क्या लिख नहीं पाते, मार्कर से हम जो लिख पा रहे हैं वो क्या होता, लिख नहीं पाते। तो इसका मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, इसलिए क्या ये एक ही जगह पे इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। मतलब कि ये एक जगह पे मेरे हाथ में तो हाथ में ही है, अगर इसका मॉलिक्यूल्स अलग अलग होता, दूर दूर होता, तो क्या होता, ये बह जाता लिक्विड की तरह, इसलिए इसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है। एग्जाम्पल में है जैसे कि पेंसिल, इरेजर, ये मार्कर ही ले लीजिए या फिर ये बोर्ड ही ले लीजिए, सब कुछ क्या है, सॉलिड ही तो है। तो चलिए हम लोग अब सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि सॉलिड्स का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो चलिए सॉलिड्स का प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। पहला प्रॉपर्टी क्या है सॉलिड का, दे हैव फिक्स्ड शेप। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का क्या होता है, सब्सटेंस मतलब कोई भी चीज जो सॉलिड होता है उसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे कि मैंने आपको मार्कर का एग्जाम्पल दिया, इस मार्कर का शेप देखिए जैसा है वैसा ही तो दिखता है, ये तो नहीं हुआ कि मैंने आज रात को इस मार्कर को रख दिया, कल सुबह देखा तो ये मार्कर मुर्गी का शेप में था, ऐसा तो होता नहीं है। या फिर ये मार्कर किसी और शेप में ले लिया, मार्कर बन गया पेन, बस हम बहुत खुश हो गए, वहां मेरे पास पेन आ गया, ऐसा तो कभी होता नहीं है कि जो सॉलिड है उसका फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप होता है, दे हैव फिक्स्ड शेप। इसका क्या होता है, फिक्स शेप होता है। अगर हम लोग इसको कोई भी तरीका से इसका शेप चेंज करेंगे तो शेप क्या चेंज होगा, नहीं होगा। दे हैव फिक्स शेप। सॉलिड्स का क्या होता है, जैसे कि ये बोर्ड ही ले लीजिए, ये बोर्ड क्या है, स्क्वायर है। क्या हम लोग चाहेंगे तो क्या इसका स्क्वायर शेप चेंज कर देंगे, नहीं ना। अगर मान लीजिए इसको किसी भी तरह ट्राई कर लेंगे, इसको मोड़ देंगे तो क्या होगा, मोड़ेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, इसका शेप तो चेंज नहीं होगा। तो सॉलिड्स का क्या होता है, फिक्स शेप होता है। They also have fixed volume. Solids का क्या होता है, volume भी fixed होता है। They cannot be compressed. और solids को क्या, compress नहीं किया जा सकता है। Compress मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता है। जैसे कि ये board है, इसको हम लोग दबा सकते हैं क्या, मतलब इसको दबाने का मतलब क्या, दबा तो सकते हैं, मतलब दबाने का मतलब अगर इसको दबाए तो इसको उसमें कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। जैसे ये मार्कर ही है, इसको हम लोग दबाएंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो क्या सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, उसका फिक्स शेप होता है। फिक्स वॉल्यूम मतलब कि इसका जितना भी वेट है, क्या इसका वेट को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। भले आप इसके ऊपर अलग से कुछ रख दिए तो आप बोलिए वेट चेंज हो गया, लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता है। आप उन सबको हटा के फिर से सिर्फ इसका ले, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, सिर्फ फिक्स वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और दे कैन नॉट बी कंप्रेस, उसको
दबाया नहीं जा सकता, मतलब सॉलिड ऐसा है तो उसको दबा के हम लोग छोटा नहीं कर सकते हैं, जितना है उतना ही रहेगा। तो ये था सॉलिड्स के बारे में। अब हम लोग का लिक्विड और गैस बचा, चलिए हम आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं लिक्विड्स के बारे में। लिक्विड्स में क्या होता है, इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड एंड दस आर नॉट अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। लिक्विड्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स रेगुलर पैटर्न में एक दूसरे के साथ एकदम टाइटली पैक्ड नहीं होता है, जैसे कि हम लोग सॉलिड में क्या देखे थे, यहाँ पे दिखाते हैं। सॉलिड में क्या देखे थे, उसका मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एकदम टाइटली पैक्ड था। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, ये सॉलिड का है, लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो कुछ दूर दूर पे होता है, ज्यादा दूर दूर पे नहीं होता है। अगर ज्यादा दूर दूर पे होगा तो वो गैस का मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। मतलब इसमें क्या था, एकदम रेगुलर पैटर्न में था। लिक्विड में क्या होता है, बीच बीच में देखिए स्पेस है ना यहाँ पे, लिक्विड में क्या होता है एकदम टाइटली पैक्ड नहीं होता और रेगुलर पैटर्न में ये नहीं होता है लिक्विड का मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वही अगर हम लोग जब गैस में देखेंगे ना तो गैस का मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर पे होगा, कुछ यहाँ कुछ यहाँ, बहुत स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस होगा गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। सॉलिड में क्या था, उस एक रेगुलर पैटर्न में था उसका मॉलिक्यूल्स और उसका क्या एक दूसरे से क्या था, टाइटली पैक्ड था। लेकिन लिक्विड में क्या है, वो लूजली पैक्ड होता है, मतलब कि एकदम टाइटली सॉलिड की तरह पैक्ड नहीं होता है, लिक्विड थोड़ा लूजली पैक होता है, बीच बीच में उसमें स्पेस होता है। ऑल्सो मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। देखिए आप लिखा ना, जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन सॉलिड का मॉलिक्यूल्स क्या है, फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। देखिए सॉलिड का मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कैसे करेगा, देखिए तो यहाँ पे एकदम टाइटली पैक्ड है, तो ये फ्रीली मूव कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन लिक्विड का मॉलिक्यूल्स में देखिए बीच बीच में स्पेस है तो मूव तो कर सकता है, तो ये है लिक्विड का मॉलिक्यूल्स। देयरफॉर लिक्विड कैन बी पोर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। इसी रीजन के कारण लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो फ्री होता है, इसी रीजन के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विड हो, लिक्विड में जैसे जूस है, ऑयल है या फिर पानी है, वाटर है, उसको हम लोग क्या है, अगर मान लीजिए वो किसी एक कंटेनर में, किसी एक बोतल में, तो उसको हम लोग दूसरे बोतल में भी डाल सकते हैं, या फिर एक बोतल में था उसको जल में डाल सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हम लोग देख रहे हैं कि उसका शेप चेंज होता है, उसका लिक्विड का शेप चेंज होता है, सॉलिड में शेप चेंज नहीं होता था, ये हम लोग उसके प्रॉपर्टीज में देखेंगे। आगे लिखा है दैट इज व्हाई अ लिक्विड कैन फ्लो। लिक्विड को हम लोग एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में भी डाल सकते हैं, इसी क्यों, क्योंकि लिक्विड का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, फ्री होता है, सॉलिड की तरह टाइटली पैक्ड नहीं होता है, इसीलिए दैट इज व्हाई अ लिक्विड कैन फ्लो। और इसी कारण से क्या होता है, लिक्विड फ्लो कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए कि ये मार्कर है, ये मार्कर क्या है, सॉलिड है, और हम लोग पानी ले ले, जूस ले ले या फिर ऑयल कुछ भी ले ले, अगर हम लोग मार्कर को रख दे और उस वाटर को जमीन पे रख दे तो क्या होगा, मार्कर फ्लो करेगा, नहीं करेगा। लेकिन हम लोग जो ऑयल या फिर वाटर रखे वो क्या होगा, फ्लो होके फ्लो हो जाएगा, मतलब जो एक ही जगह पे रहेगा नहीं। जैसे ये मार्कर है एक ही जगह पे है, लेकिन लिक्विड क्या होता है, एक ही जगह पे रहता है, नहीं रहता। हाँ अगर उसको बोतल में रखे तो एक ही जगह पे रहेगा, लेकिन वो नीचे गिर जाता है तो क्या, एक ही जगह पे रहता है, नहीं रहता। तो ये था लिक्विड के बारे में। अब चलिए लिक्विड का प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग कि लिक्विड का प्रॉपर्टीज क्या है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में पहला दिया दे हैव नो डेफिनेट शेप, मतलब दे हैव नो डेफिनेट शेप, मतलब क्या कि लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए लिक्विड है, पानी है, वो भी एक मग में है, ठीक, मग में है, तो वो किस शेप का है, मग के शेप का दिखेगा। उस वही मग में जो पानी है उसको हम लोग कोई बोतल में डाल दे, बोतल देखिए, बोतल मान लीजिए कोई लंबा बोतल है, तो उसमें अगर हम लोग लिक्विड को डालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कुछ जो बोतल, जिस शेप का बोतल है उस शेप में पानी भी हो जाएगा, या फिर हम लोग का किसी जग में कोई जूस रखा है, उस जग में जो जूस है वो जग 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 का जैसा शेप है, जूस भी उसी शेप में रहेगा, या
जैसे कि सॉलिड का एक डेफिनेट शेप है, इस मार्कर का एक डेफिनेट शेप है, उसी तरह लिक्विड का एक डेफिनेट शेप नहीं होता है। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए एक लीटर पानी हम लोग के हमने हमारे मग में एक लीटर पानी है, तो क्या वो एक लीटर से दो लीटर हो जाएगा? नहीं ना, एक ही लीटर रहेगा। तो क्या है, लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जैसे कि सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, उसी तरह लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड का भी। अगर वो एक लीटर ऑयल है तो वो एक लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसको मग में रखिए, एक बड़ा कंटेनर में रखिए, या फिर एक छोटे से बोतल में रखिए, वो एक लीटर का एक ही लीटर रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा जैसे कि मैंने आज तेल खरीद के लाया, 5 लीटर, मम्मी बोली 5 लीटर तेल खरीद के ले आ, ठीक है। अब उसको हम क्या किए, एक गैलन में रख दिए 5 लीटर तेल, और रात को जब सो के सुबह को जगिए, तो ऐसा तो नहीं होता है कभी कि वो 5 लीटर तेल था 10 लीटर तेल हो जाए, ऐसा कभी होता है? 5 लीटर तेल तो 5 लीटर रहेगा, 10 लीटर तो होगा नहीं, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो क्या है, लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर वो 5 लीटर है तो 5 लीटर रहेगा, 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, चाहे आप उसको छोटे से जगह पे छोटे से चीज में रखिए या बड़े कंटेनर में रखिए, उसका वॉल्यूम एक ही रहेगा। दे आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। लिक्विड को क्या होता है, दबाया नहीं जा सकता। क्यों? आप देखिए, आप लोग एग्जांपल में देखिए, जैसे कि आप पानी हाथ में ले लीजिए और फिर उसको दबाने का कोशिश कीजिए, क्या आपके हाथ में पानी ही नहीं रहेगा, तो आप उसको दबाइएगा कैसे, दबा पाइएगा? नहीं ना। तो क्या है, लिक्विड को कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो क्या क्या देखा प्रॉपर्टीज हम लोग लिक्विड का, उसका क्या होता है, डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन सॉलिड का क्या होता है, एक डेफिनेट शेप होता है, जिस शेप का वो है वही शेप में रहेगा। लिक्विड का एक फिक्स शेप नहीं होता है। लिक्विड का सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब कि वो उसका 1 लीटर है, 5 लीटर है, 10 लीटर है, तो वो उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता। तीसरा क्या था, दे हैव डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस। लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता है ठीक सॉलिड की तरह। लिक्विड को दबा के अगर आप लिक्विड को दबा सकते हैं तो दबा के जाए, कमेंट में बताइएगा कि आप लोग लिक्विड को दबा सकते हैं। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब हम लोग चलिए, अगर आप लोग कपड़ा में भी, जैसे कि अगर आप लोग एग्जाम्पल के लिए कपड़ा में लिक्विड को देके दाब सकते हैं, अच्छा ठीक है, आप लोग होली खेलते हैं, उसमें आप रंग भर के किसी के ऊपर फेंकते हैं, तो क्या दबा जाता है, तो निकल जाता है ना पानी बाहर, तो कैसे हो सकता है, लिक्विड कभी भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं गैस के बारे में, कि गैस का प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है, गैस। गैस क्या, गैस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। देखिए, हम लोगों ने देखा कि सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है और वॉल्यूम भी शेप से फिक्स्ड होता है। लिक्विड में देखा हम लोगों ने कि लिक्विड का फिक्स्ड शेप तो नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है, मतलब फिक्स होता है। लेकिन गैस में क्या है, ना ही उसका फिक्स्ड शेप होता है, ना ही उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है कि दे कैन ऑक्यूपाई ऑल द, लेकिन मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स होता है गैस का बहुत ही लूजली पैक्ड होता है। सॉलिड में हम लोगों ने देखा था कि वो एक वे में अरेंज होता है, बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। ये है सॉलिड का। लिक्विड में हम लोगों ने देखा था कि बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, यह है लिक्विड का मॉलिक्यूल। लेकिन गैस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा यहाँ रहेगा, यहाँ है तो यहाँ रहेगा, ये एक इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही लूजली पैक्ड होता है, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड नहीं होता है सॉलिड की तरह, और ना ही लिक्विड में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। गैस में एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है, वो बहुत ही लूजली पैक्ड होता है। दे कैन ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस ऑफ द कंटेनर दे आर प्रेजेंट इन। और गैस जो होता है
मतलब कि अगर हम लोग कोई भी खाली कंटेनर होता है ना, तो उसमें भी एयर होता है, एयर भी तो गैस ही है। वो क्या होता है, पूरा और जितना बड़ा कंटेनर है वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। क्यों फिक्स शेप क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग जो सांस लेते हैं, हम लोग ब्रीथ करते हैं, हम लोग क्या है एयर लेते हैं, एयर भी एक तरह का क्या है गैस ही है। तो वो क्या है एनवायरमेंट में हमेशा घूम, एक जगह पे एयर फिक्स होता है। कभी आपने देखा है कि मैंने एयर या एक जगह पे फिक्स है वो क्या है बहते रहता है, तो उसका क्या है फिक्स शेप नहीं है। अगर कोई कंटेनर है गोल है, तो वो गोल जितना बड़ा कंटेनर है उसमें ढक्कन लगा हुआ है, तो उसके अंदर भी एयर प्रेजेंट होता है। एयर क्या हर एक जगह पे प्रेजेंट होता है, चाहे वो बंद कंटेनर हो या ओपन हो या फिर कैसा भी हो, सब में एयर प्रेजेंट होता है। तो उसका क्या होता है एक फिक्स शेप नहीं होता है। क्यों? अगर वो एक कंटेनर में, तो कंटेनर के शेप का है, हम लोग के एनवायरमेंट में फ्लो कर रहा है, तो उसका कोई शेप ही नहीं है, वो बस फ्लो होता रहता है। एयर इज अ गैस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एयर क्या है, गैस है। स्टीम दैट कम्स आउट ऑफ हॉट टी इज ऑल्सो अ गैस। जो भाप निकलता है, जो धुआं निकलता है किसी भी गर्म चीज से, चाहे वो गर्म चाय हो या फिर गर्म पानी हो, उससे जो स्टीम निकलता है वो भी क्या है गैस है। उसका आप लोगों ने देखा है कोई शेप होता है नहीं ना, वो क्या होता है निकलता और गायब हो जाता है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। स्मोक इज ऑल्सो अ गैस, कोई स्मोकिंग करता है उससे जो धुआं निकलता है वो भी क्या है गैस ही तो है। तो उसका कोई फिक्स शेप होता है नहीं होता है, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। कोई ऐसा कह सकता है कि मैंने एक लीटर गैस पैक करके रखा, आपने ऐसा कभी सुना है? नहीं ना। तो क्या गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम हुआ? नहीं हुआ कि ये एक किलो गैस है या 50 किलो गैस है, ऐसा कभी सुना है? नहीं ना। तो गैस कभी भी, गैस का कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। तो ये था गैस के बारे में, गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब जैसे हम लोगों ने सॉलिड और लिक्विड का प्रॉपर्टीज देखा, उसी तरह गैस का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं गैस का प्रॉपर्टीज, की गैस का प्रॉपर्टीज क्या होता है। जैसे सॉलिड और लिक्विड का हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज देखा, उसी तरह गैस का भी 3 प्रॉपर्टीज दिया है। पहला है दे हैव नो डेफिनेट शेप, गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि उसका कोई शेप नहीं होता। अगर वो गाड़ी का टायर में है तो वो टायर के शेप का है, बलून में है तो बलून के शेप का है। तो गैस को जिसमें आप डालिए वो उसी शेप का हो जाएगा, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। दे हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, ना ही उस गैस का एक डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। दे कैन बी कंप्रेस, गैस को हम लोग दबा सकते हैं कैसे, जैसे कि आप लोग बैलून में क्या है गैस भरा हुआ है, आप लोग उसको दबा सकते हैं ना, बैलून को दबा तो सकते हैं, तो वो दबता है, वो क्या है इजिली कंप्रेस किया जा सकता है। या फिर आप साइकिल का टायर में हवा भराते हैं, या फिर मोटरसाइकिल का टायर में, तो उसमें हवा भराता है, तो वो क्या दबाया तो जा सकता है। तो क्या था सॉलिड को हम लोग देखिए, तीनों में डिफरेंस क्या मिला हम लोग को कि सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, लेकिन लिक्विड और गैस का डेफिनेट शेप नहीं होता है या फिर फिक्स शेप नहीं होता है। सॉलिड का क्या है डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब कि एक फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन लिक्विड और गैस का एक फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। सॉलिड और लिक्विड को हम लोग दबा नहीं सकते हैं, लेकिन गैस को हम लोग दबा सकते हैं। तो ये था डिफरेंट, हम लोगों ने पहले ही देखा था कि मैटर में क्या होता है, तीन तरह का मैटर होता है, डिफरेंट मैटर का डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और प्रॉपर्टीज होता है। तो हम लोगों ने देखा कि सॉलिड लिक्विड और गैस क्या था, मैटर था। मैटर एग्जिस्ट करता है तीन में, सॉलिड लिक्विड और गैस में, और तीनों का प्रॉपर्टीज क्या था डिफरेंट था। उसका मॉलिक्यूल्स भी क्या था कि एक का फिक्स था, एक का थोड़ा फ्रीली था, तो एक लास्ट गैस में बहुत ही ज्यादा वो फ्री था। तो था ये तीन, इसमें था तीनों डिफरेंट था, प्रॉपर्टीज सबका डिफरेंट था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एयर के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर क्या होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस तक समझ में आया होगा। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट
सेक्शन में जरूर बताएं। आपने पूरा वीडियो देखी और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहें।